हाल है? सही है, काला कलटा जी। सुबह से अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं रांची स्टेशन में, और अभी हम लोग को यहाँ पे 7 बज रहा है। सुबह 4 बजे ही पहुँच गए हैं, तो पता नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से टाइट करके रखा माहौल। अभी तो हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, कुछ खा लेते हैं। सुबह 4 बजे उठ गया हूँ मैं आज, इसका तो कुछ पता नहीं है, तो डेली उठता रहता है, लेकिन इसको हम ही उठाए हैं। जैसे ट्रेन रुका वैसे हम उठ गए थे। मेरा ट्रेन में नींद आता ही नहीं है, नींद ट्रेन में मेरा पतला है बहुत ज़्यादा, दांत दिखा रहा है इसका, इसमें तो कुछ बात बात पे दांत दिखा रहा है। 4:30 बजे उठते हैं डेली, तो हम 4 बजे उठा दिए ना तुमको, हम तो 8 बजे उठते हैं। तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं मिलेगा कैसे, कैसा जगह है, यहाँ मिलना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल को जो है ना, इसकी वजह से टाइट करके रखा है। क्या वो ओपन है क्या? अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हम लोग कुछ खाने का ऑर्डर कर देंगे। क्या ऑर्डर किया है? छोला भटूरा, चिकन। अरे हम तो आलसी लोग हैं, हमको बैठना पसंद है, हो गया था ऑर्डर करने के लिए। और चिकन खाएंगे भी, चिकन तंदूरी, मज़ा आ जाएगा। यहाँ से पूरा 25 किलोमीटर दूर है, अभी हम लोगों ने देखा था पूरा 25 किलोमीटर दूर है, जाना और आना बहुत ही मुश्किल काम है। 50 किलोमीटर टोटल, हाँ, जाना और आना, थक जाएंगे। तो आज सोच रहे हैं वापस नहीं जाएं, आज रेस्ट करेंगे, और ना आज घूमना होगा, आज रेस्ट करेंगे और क्या, कल एक्सप्लोर करेंगे पूरा रांची। और दो चार जगह है जो मेरे को नहीं पता, ये यहाँ पे रहा हुआ है इसको पता है, तो ये मुझे घुमाएगा दो चार जगह। फिर यहाँ से लोग कुछ बोलो, मैं मेरे ब्लॉग में सिर्फ हंसता था। तो कल छोटी छोटी जगह है दो चार, वो एक्सप्लोर करना है, अच्छी अच्छी जगह है। तो कुछ खुला होगा कुछ नहीं खुला होगा इसके हिसाब से, क्योंकि कोविड चल रहा है, पहले तो खुला रहता था। तो पहले इसका एडमिशन का काम करा लेते हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर दूर जाना है और एडमिशन कराना है और वापस आना है, फिर रेस्ट करेंगे और कल दिखाएंगे आपको क्या क्या हो रहा है, इसी वीडियो में दिखाएंगे आप लोग देखना। और आधे घंटे हो गए बैठे हुए यहाँ पे, जन तो छोले वोटर आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, लाने के लिए गया। थैंक यू, ये तो बिना कुछ सुने चला गया वापस। यम्मी यम्मी, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है ये। तो गाइस किसको किसको खाना है फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, कमेंट में बोलो मुझे भी छोले भटूरे पसंद है, अगर आपको पसंद है। और देख एक और प्लेट लेके आ गया है, अब बैठ के खाएंगे। चलो ये तब गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं इसको ख़त्म करके। ऐसे लाते ही टूट पड़ा है इस पर, हम इस पर टूटे ना। हाँ तो एक ही चीज़ है ना, अपना ख़त्म भी नहीं किया तो कोई टूट पड़ा। दिखाए दिखा, हम भी देखें क्या अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, ये इसको अच्छा लगता है।
हाँ खीरा ना, ये खीरे का छिलका इसको अच्छा लगता है। चंपू की तरह खाता रहता है, खीरे का छिलका इसको अच्छा लगता है। कुछ पहले जूस पी लेता है, कुछ भी खा लेता है। जूस खाने नहीं का रहा है। हाँ हाँ तुम्हारे जैसे च्यवनप्राश लोगों के लिए हेल्दी चीज रखेगा। च्यवनप्राश खाओ इसको, ये हेल्दी है बहुत ज्यादा। देखो इसको ऐसे तोड़ो, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ो, उसमें डिप करो, उसके बाद इसको खा लो। अरे वो तो फैमिली पैक है। हाँ हम लोग ऑटो ले लिए हैं, कुछ और मिला नहीं, ऑटो ऑटो ही ले लिए सब चीज़ें। ऑटो बेटर रहता है, मुस्कुरा रहा वाला ही लाइफ शुरू होने वाला है उसका, पूरा पूरा खुश हो रहा है। तो अभी ऑटो ले लिए हैं और यहाँ से एक घंटा दो घंटा लगेगा जाने में, मिलते हैं वहीं पे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा होगा, इतना ज़्यादा नॉइज में कुछ पता ही चल नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे कॉलेज में ही इसके, और बाकी एडमिशन वेडमिशन जो कराएंगे कॉलेज आप लोगों को घुमाते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पे हॉस्टल में हैं, यहाँ पे साईनाथ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल घूम रहे हैं, और ये पहले से यहाँ लड़का रह रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? भरत। भरत है, दिवाकर का दोस्त है ये, यहाँ पे पहले से रह रहा था, तो यही हम लोग को पूरा कैंपस टूर करा रहा है, उसके बाद हम लोग एडमिशन उसका। क्या लगता है एडमिशन होगा? जैसा आप लोग देख सकते हैं ये चार चार रूम है, एक साइड में एक साइड चार रूम, इन्वर्टर लगा हुआ है, हर एक फ्लोर में लगा इन्वर्टर। ओके एज यूजुअल बाथरूम लगा हुआ है इस साइड, हर एक रूम के लिए, और इस साइड में मर्जी पड़े जिधर जाना है तुमको। हाँ तो जिधर जाना है। ये हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, कितने फ्लोर का है हॉस्टल? चार फ्लोर ना, पूरे चार फ्लोर का। अभी उस वाले हॉस्टल से आए थे हम लोग, वहाँ पे एक घंटे रेस्ट किए हैं। जैसा कि बताया था मैंने, हर एक फ्लोर में यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे बाथरूम, और ये एक छोटा सा बालकनी मिलता है। उधर ये गेस्ट रहते हैं, मतलब उधर गेस्ट है, मतलब कोई आता है ना ऐसा रहता है, वो गेस्ट हाउस है, जो कि हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं। नहीं हम लोग जाएंगे फ्रेंड के रूम में रुकेंगे, और ये प्ले ग्राउंड है, अच्छा खासा प्ले ग्राउंड है। और है हम तो ये क्रिकेट का है, वहाँ फुटबॉल वाला, उधर फुटबॉल, लेकिन होना चाहिए था ये फुटबॉल वाला। फुटबॉल फुटबॉल भी खेलता है, वहाँ वॉलीबॉल खेलता है। आगे का कैंपस टूर कराते हैं हॉस्टल से निकलने के बाद, हॉस्टल पहले अच्छे से देख लेते हैं, सी यू थोड़ी देर में। अभी हॉस्टल से बाहर आ गए और कैंपस में हम लोग घूम रहे हैं। ये रहा आपका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का लैब है, और यहाँ पे शायद क्लासेस लगती नहीं है। यहाँ पे क्लासेस लगती है सामने वाले इस पे, और इधर वाले पे लैब होती है। धूप बहुत ज़्यादा, शायद दिख नहीं रहा अच्छे से। उधर बॉयज हॉस्टल पीछे में रह गया हम लोग का, और गर्ल्स हॉस्टल आगे है ना, गर्ल्स हॉस्टल एकदम शुरू में है ऑफिस के पास। लड़कों को हमेशा तकलीफ हुई है इस मामले में, हॉस्टल लड़कों का इंजीनियरिंग में हो या फिर मेडिकल में, दूरी भेजा जाता है। यहाँ पे लैब के लिए हम लोग जा रहे हैं, लैब भी देख लेते हैं कैसा है इधर का लैब।
धूप से परेशान हो गए। ये एक छोटा सा है नर्सिंग लैब, सारे रूम में ऐसा ही लैब है। और आउटडोर में ये क्या हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर का चल रहा है। सही है, एग्रीकल्चर वालों के लिए आउटडोर मस्त है। हेलो, हाँ फोन कर दिया क्या? गाइस एडमिशन डन हो गया है इसका, और दिवाली के बाद से इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी ऑटो का वेट करते हुए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं गेट के पास, थोड़ी देर में ऑटो आएगा तो हम लोग यहाँ से सिटी जाएंगे। सिटी में वहाँ पे इसका एक फ्रेंड है, उससे मिलना है जाके। इसके घर पे ही कुछ पार्टी वार्टी होगी, उसके बाद सीधा चलेंगे घर। आज घूमने का प्लान अगर शाम में हो सकता है तो कर लेंगे, वरना धूप तो बहुत तगड़ी है, तो उस वजह से घूमने का तो मन कर नहीं रहा है। 3-4 बजे तो घूमने के लिए निकलेंगे थोड़ा बहुत, और 2-4 क्लिप दिखाते हैं आपको घूमने का, तो अगर पॉसिबल हो सका तो, नहीं तो मिलते हैं सीधा घर में। ठीक है, टिकट कटाइए। अभी हम लोग निकले हैं शाम के टाइम में घूमने के लिए यहाँ पे, थोड़ा मार्केटिंग में मॉल वॉल घूमने के लिए निकले हैं यहाँ पे। वॉकिंग स्ट्रीट है, शायद हो सकता है वहाँ पे जाएं, या कौन सा मॉल घूमेंगे वो तो अभी तक पता नहीं हम लोगों को। और थोड़ी देर में है ना ब्लॉगिंग, 1000 लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इनके यहाँ ही रुके हुए हैं आज हम। हम लोग अभी घूमेंगे, वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे, उसके बाद दो मॉल घूमेंगे, और इधर कैपिटल, क्या नाम है, कैपिटल हिल में जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये भी अच्छी अच्छा मॉल है, यहाँ पे थोड़ा राउंड ऑफ करके जाएंगे, बहुत बड़ा मॉल है ये। और आगे भी एक मॉल है, वहाँ भी खूब जाना है, तो आपको अंदर से मैं दिखाता हूँ, बाहर से आप लोग जाएंगे। ये देखो बाहर से नज़ारा, हम अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। अभी पहुँचे हम लोग हाई स्ट्रीट, और यहाँ पे एंट्री लेंगे, बहुत ही बड़ा मॉल है, एंट्री ले रहे हैं। क्या हुआ, ऊपर दिखा रहे, ऊपर से व्यू बहुत मस्त है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द मॉल, क्या नाम है मॉल का, हाई स्ट्रीट। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ हाई स्ट्रीट, यहाँ से देखोगे सब बंदर नजर आएंगे छोटे छोटे। ये सामने एक मॉल है, अच्छा खासा मॉल है, लंबा चौड़ा मॉल है, वो चौड़ा मॉल है और ये ऊंचा मॉल है। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री लिया था, फोटो शूट जा रही है।